सम्राट पृथ्वीराज को अभी से ही डिजास्टर घोषित कर दिया गया। 3 जून को रिलीज हुई इस फिल्म ने अभी अपने दूसरे शुक्रवार यानी 10 जून को कमाई के मामले में लगभग 81% की गिरावट देखी है। जी हां, आपको बता दें, अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज अपनी रिलीज के 8 दिनों में ही बॉक्स ऑफिस पर पस्त हो गई। 300 करोड़ रुपए के बड़े बजट में बनी इस फिल्म ने अभी तक बॉक्स ऑफिस पर 55 करोड़ रुपए का कलेक्शन ही किया है। इसके 8वें दिन की कमाई भी सामने आ गई। बताया जा रहा है कि सम्राट पृथ्वीराज ने अपने दूसरे शुक्रवार को बॉक्स ऑफिस पर भारी गिरावट देखी। सम्राट पृथ्वीराज को अभी से ये डिजास्टर घोषित कर दिया गया है। 3 जून को रिलीज हुई इस फिल्म ने अपने दूसरे शुक्रवार यानी 10 जून को कमाई के मामले में लगभग 81% की गिरावट देखी। बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक सम्राट पृथ्वीराज ने अपने 8वें दिन 1.85 से 2 करोड़ रुपए तक की कमाई की है। इसी के साथ फिल्म का कलेक्शन 57 करोड़ रुपए ही हो पाया। थिएटर्स में फिल्म की हिंदी जनता की ऑक्यूपेंसी कुल 11.72% शुक्रवार को ही रही। भारत के वीर योद्धा सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जिंदगी की कहानी पर आधारित फिल्म सम्राट पृथ्वीराज शुरुआत से ही ढीली कमाई कर रही है। इस फिल्म ने अपने पहले दिन 10.70 करोड़ रुपए कमाए थे। इसके साथ ही फिल्म का पहले वीकेंड का कलेक्शन भी अच्छा नहीं था। 8 दिनों में सिर्फ रविवार 5 जून को फिल्म की कमाई में उछाल देखा गया था। इस दिन 16 करोड़ रुपए का कलेक्शन सम्राट पृथ्वीराज ने किया था। उसके बाद से फिल्म के पैसे कमा पाना बड़ा चैलेंज बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।